की फुलवारी हाँ।
मोर सुवना तुलसी मदियाना जलाए तरी हरि नहान रि नाना मोर सुवना तरी हरि नहान रि ना ना ना। जय जोहर। कार्तिक महीना ला धर्म के महीना कहे जाते और एला धर्म के महीना एकर सिती कहे जाते काबर की यही एक ठन ऐसन महीना है जेमा अब्बड़ अकन तिहार ला मनाए के परंपरा चले आवा थे। देख लो करवा चौथ यही कार्तिक महीना में मनाए जाते। ओकर बाद देवारी देख लो, देवारी के धनतेरस, नरक चौदस, लक्ष्मी पूजा, गोवर्धन पूजा, मातर भाई दूज, विष्णु पंचक, ऐसे ऐसे जतका भी त्यौहार है एक कार्तिक महीना में मनाए जाते। दिवाली मान लेते, दिवाली के 11 दिन बाद में सुंदर एकादशी के त्यौहार लगलो यही कार्तिक महीना में मनाए जाते। वैसे तो साल भर में अब्बड़ अकन एकादशी आते लेकिन जे कार्तिक माह के कार्तिक महीना के अंजोरी पाक के जे एकादशी है तेकर विशेष महत्व है। अब ओकर महत्व काकर स्थिति है, का कारण है ओकर महत्व के, ता कहे जाते कि भगवान विष्णु हा अषाढ़ के अंजोरी पाक ले योग निद्रा ले ये कार्तिक महीना के अंजोरी पाक में उठते और जैसे विष्णु जी उठते ना अब योग निद्रा ले सुंदर जचनी मंगनी बरनी के काम हा चालू हो जाते। और एक रेसे थी ये जो एकादशी है ओकर विशेष रूप से महत्व है, विशेष प्रकार से महत्व है वे। और एकादशी ला प्रबोधनी एकादशी के नाम से जानते, जे ठौनी के नाम से जानते हमारे छत्तीसगढ़ में, एकादशी के नाम से जानते, देव उठनी के नाम से जानते, ता ऐसे तीन चार नाम से जाने जाते हमर छत्तीसगढ़ में। घरों घर देवारी तिहार के बाद में जेठौनी के व्रत उपासना करे जाते। गांव में और शहर में जतका भी छत्तीसगढ़ वासी है सब झन मन मिल के ए जेठौनी तिहार ला मनाते। ए तिहार मा सबसे विशेष महत्व गरवा मल्ला सोहई बंधाए के रहे रथे। सोहई एक ठन एक माला हरे गाय मल्ला पहिराए के, जेहा गाय मल्ला पहिराए से गाय के शोभा बढ़ जाते। त जेकर जेकर घर में सोहई बंधवाना रहते ओकर घर में हमर गहिरिन दीदी मन काकी मन हा बहा पहाट के उठ के बेरा करहात ले जाके बड़े हाथा वाथल दे के आ जाते। अब सोहई बंधाए के घलो दो प्रकार के व्यक्ति मन हा और वर्ग के मन हा अलग अलग दिन में सोहई ल बांधते। जैसे सक्ताह जेला जमरहा कथन ते जमरहा मन हा यही जठौनी के दिन में अपन गाय गरवा मन में सोहैल बांध कबीरहा रहे रथे ते मन हा पुन्नी के दिन में सोहैल बांधते। यही समय नवा नवा सुंदर साग भाजी निकलत रहे रथे और वही ते सब पूजन के सामग्री के रूप में उपयोग किए जाते। अब ये सब सामग्री भगवान के पूजन सामग्री के रूप में भोग के रूप में उपयोग किया जाते। त जैसे जेठौनी के दिन में सब जतका भी व्रत पूजा उपास करने वाला है सब ये सिंघाड़ा चना बनबोईर और भाटा लाल भाजी ये सब सामग्री ला इकट्ठा करके पूजा सामग्री तैयार करते। बने सुंदर ढंग ले व्रत उपास ला कर लेते, फलाहार ला कर लेते सांझ के समय में। और सांझ कन सबो झन माई पिल्ला मन हा कते कर जोरिया थे अपन आंगन के बहिरे में। और बहिरे में जोरिया के सुंदर जो पुराना टुकनी चरिया रहे रहते तेला जलाते और जलाए के छिटका दे के घलो ए दिन के नियम हरे। और जलाते और कहे जाते हमार रीति रिवाज हमार सियान मन बताते कि आज के दिन अगर ये टूटहा चरिया झंझरी मन के आग ला सेकी है ना, मतलब ओला भुर्री बार के ओकर आगिल सेकी ते पूरा साल तक
ओ व्यक्ति ला जर बुखार नहीं होए, ऐसे हमर सियान मन कहत आते और वही परंपरा निभाते। ता ऐसा ढंग ले सुंदर सब हमर छत्तीसगढ़िया वासी और संपूर्ण भारत के वासी मन ह ये जेठौनी तिहार ला देव उठनी एकादशी के रूप में मनाते ला औ काकार के नाम से जानते। जैसे देव उठनी ला देव उठनी कही थे और साथ साथ में तुलसी विवाह के नाम से घलो जानते। हाँ और तुलसी विवाह के साथ साथ में ये देव उठनी के संबंध माता सरस्वती के द्वारा माता लक्ष्मी ला शाप के घलो ये देव उठनी के कथा से जोड़ते। और तीसरा है कि ये देव उठनी के दिन तुलसी के पूजा हो या करे जाते। ता उगर का कर सब बात में हमन चर्चा करबो। ताव हमर धर्म पुराण के एक सुंदर बात ला लेके चलो। हमर धर्म पुराण में बात आते कि शंखासुर नाम के एक जन दैत्य रिस अतका अत्याचारी रिस अतका अत्याचारी रिस तीनों लोक ला जीत डरिस। इंद्रासन ला हड़प लिस। शंखासुर ला पता रहे रथे कि ए समय में भगवान विष्णु जी है कहाँ है योग निद्रा में है। अब योग निद्रा में है वह अब भगवान विष्णु तो योग निद्रा में है तो यही मौका है रे मौका में चौका मार लो ऐसे सोच के ब्रह्मा लोक में चले गए। अब ब्रह्मा लोक में सब जतका वेद पुराण यज्ञ है मंत्र है सब मन डर के मारे एडहन उड़ान एडहन उड़ान भागे लगी भागत भागत ब्रह्म लोक में गिस त्राही त्राही ओकर पीछे लग गए शंखासुर चले गए। अब ब्रह्म लोक में जाए के बाद में शंखासुर पकड़े लागिस तब जतका वेद पुराण सास है सब दौड़ भाग के कहाँ चले गए समुद्र में चले गए। अब समुद्र में चले गए तो ओकर पीछे लग गए शंखासुर घलो चले गए समुद्र में। अब समुद्र में जाए के बाद में सब जतका भी वेद मंत्र यज्ञ है बटोरे लगिस लेकिन सकलायम सकलाय नहीं। तब इतिर का करे ब्रह्मा जी और बाकी देवता मन सब का करना है कि ब्रह्मा जी से विचार विमर्श करके कहाँ चले गए नारायण के पास चले गए। उस समय भगवान योग निद्रा में रह रहे थे। अब योग निद्रा में जतका देवी देवता रह रहे थे भी भगवान विष्णु कर जाते और सरलगा एक महीना ले भगवान के अर्चन बंदन विनती करते पूजा पाठ करते और भगवान ला जगाते। विष्णु भगवान हा अपन भक्त के करुण क्रंदन और जब जब अत्याचारी पापाचारी बढ़ते तब भगवान हा वैसे तो अवतार लेते लेकिन यहाँ पे सोई रही भगवान जागिस और जागे के बाद में सब जन मल्ला अभय करी सब डर रात रही घबरात रही से ते मल्ला तुमन डरो मत घबराओ मत भय में मत रहो करके अभय करिस देवता मल्ला। और भगवान विष्णु जी कहाँ गिस समुद्र में गिस मत्स्य अवतार लिस और मत्स्य अवतार लेके इस शंखासुर नाव के राक्षस ला के वध करी सब जन ला सुख प्राप्ति करवाई सुख दिस। ता जे दिन भगवान हा अपन शयन योग निद्रा ले जागिस वही दिन ये कार्तिक महीना के अंजोरी पाक के दिन चलत रही से और ओकरे से ये देव उठनी देव के मतलब देव उठनी जेठौनी जेठ के मतलब होते बड़े और बड़े में देवता विष्णु जी और आज ओकर उठेक दिन रही ते कर वजह से कर नाम देव उठनी पड़ी। और अब आपला यही देव उठनी के से संबंधी एक ठन और कथा के रहन आपला ले जाए के कोशिश करन कि जेठौनी ला तुलसी विवाह के नाम से घलो जाने जाते हैं नहीं भाई। तो तुलसी विवाह के नाम से काबर जानेगी सेकरे पीछे भी हमार धर्म पुराण में बात आते। तब बात कर वो कि हम श्रीमद् भागवत कथा के अनुसार सरस्वती गंगा और लक्ष्मी ये तीनों जन भगवान विष्णु के भार्या कहलाए। अब तीनों जन भार्या कहलाई एक दिन सरस्वती माता के मन में विचार रही सोचे लगी कि मोला लगते कि श्री हरि विष्णु जी हाँ मोला मोर से ज़्यादा माया गंगा ला करते। और ऐसा सोच के मने मन में गंगा के प्रति जो व्यवहार है तेला बदलते गीस करू करू बात करे लग गए हर बात में चिड़चिड़ाल लग गए हैं और ताना दे लग गए गंगा ला ये सब ला देखत रहा लक्ष्मी महातारी। अब लक्ष्मी देखा थे एक दिन देखी दो दिन देखी और घर से रह नहीं गिस
कि इस अंततः कि कैसे सरस्वती ते काबर इसने अलकरहा ढंग के ए गंगा कहा थोबे और समझाए की कोशिश करिस, यानी कि समझाए कोशिश करिस बात ल समझिस नहीं सरस्वती माता, बात ला नहीं समझे और ऊपर से तमतम आ गई कि केहिस की मार साखी तीरथ हस्ते हा गंगा के तले मार साखी तीरने वाली बने तले में तोला तोर आधा शरीर है नदी बन जाए और आधा वृक्ष बन जाए, ऐसे ढंग ले ओला श्राप दे दी माता लक्ष्मी ला। अब लक्ष्मी श्राप दे दी, सब श्राप तो दूर हटने वाला नहीं है। अब धीरे से बात है भगवान विष्णु कर पता चलिस, भगवान विष्णु श्राप के कारण ला जानिस, तब वत का समय माता लक्ष्मी ला वरदान दिस आशीर्वाद दिस और आज्ञा घलो दिस कि तोर विभिन्न ललित कला है और वो ललित कला में तेहा कोई भी योनि के स्वरूप ना बदलते हुए भी पृथ्वी लोक में जाबे, तुलसी के नाम से ते विख्यात होबे। ओकर लिए तोला शंखचूंड नाम के दैत्य के साथ गंधर्व विवाह करेल पड़ी। ये खबर भगवान मन लीला करते और लीला जन कल्याण बर रहे रहते, तेकर सिते लीला करेल किस भगवान है और लीला के पात्र बनेस माता लक्ष्मी ला। और लक्ष्मी ला किस की तेहा पृथ्वी लोक में जाबे, पृथ्वी लोक में शंखचूंड नाम के जो दैत्य है ओकर संते गंधर्व विवाह रचाबे और ओकर बाद में मैं हतोला वही जन्म में ते मोला तपस्या करे के बाद में मैं ते मोला पति के रूप में भी प्राप्त करबे। ऐसे ढंग रे भगवान विष्णु हम माता ला आशीर्वाद दिस आज्ञा दिस। अब इसने हो माता भूमि धरती लोक में आईस और धरती लोक में आए के बाद में ब्रह्मा जी के आज्ञा अनुसार, ब्रह्मा जी के कहे अनुसार शंखचूंड नाव के राक्षस के साथ गंधर्व विवाह रचाइस। अब गंधर्व विवाह रचाइस, रचाए के बाद में का हुई कुछ दिन बीते के बाद में भगवान के फिर एक ठन नाटक चालू हुई जेमे शंखचूंड जो दैत्य तेकर विनाश करी से भगवान शंकर जो भस्मधारी भगवान शंकर है ते ओला भस्म रूप बना देते, मतलब भगवान शंकर के द्वारा वो कर्वत किया कर दिए जाते। एधन जे माता हा तुलसी बन के आए रहते ते हा कठोर तपस्या में लग जाते, इतनी कठोर तपस्या करते अतका कठोर तपस्या करते कि भगवान जब प्रकट होते तब ओला आशीर्वाद देते कि तोर तोला तोर शरीर है जे ये हा पवित्र नदी कहलही जेला हमन आज गंडकी नदी के नाम से जानथन। तो शरीर है पवित्र गंडकी गंडकी नदी के नाम से जाने जही और जो कस कलाप तो ये जो वृक्ष है वो बहुत ही पवित्र माने जही, काबर की ये जो तोर बाल है ओकर से ये वृक्ष उत्पन्न हो है तेकर वजह से एकर नाम तुलसी नाम पढ़ी। ऐसे सुंदर भगवान ओला आशीर्वाद देते और अपन भार्या के रूप में स्वीकार थे। तो यही वजह से माता तुलसी के अतका तीरथ अतका सुंदर काम करे के वजह से, जन कल्याण बर अतका सुंदर काम करे के वजह से तुलसी विवाह के नाम से आज के दिन ला एकादशी के दिन ला जाने जाते। और आवो अब जानन की तुलसी के महत्व। माता तुलसी ला जब आशीर्वाद दीस भगवान विष्णु हाँ तो ओकर साथ साथ में ये भी आशीर्वाद दीस कि जे व्यक्ति ये तुलसी वृक्ष के नीचे में अही ओला संपूर्ण जतका भी देवी देवता है ओकर दर्शन ए तुलसी वृक्ष के नीचे होही। मैं अपन अपन पूरा 33 कोटि देवता के साथ में अब मैं खुद स्वयं ये तुलसी वृक्ष के नीचे में विराज मार रहा हूँ हमेशा। और ये तुलसी के पत्ता के तुलसी पत्ता के जो दान करी वो अश्वमेघ यज्ञ के बराबर, हजार गौ यज्ञ के बराबर, हजार अश्वमेघ यज्ञ करे के बाद जो फल मिलते ओकर
फल, एकादशी के दिन तुलसी के पूजा करें और तुलसी के पत्ता के दान करे से मिले। ऐसे ढंगले सुंदर भगवान आशीर्वाद देते, कहते जे व्यक्ति सुबह उठ के तुलसी के पानी के पानी ला ग्रहण करी, ओकर सब पाप धूल जही, सब पाप कट जही, ओकर मन बुद्धि चित्त सब शांत हो जही। ऐसे ढंग के भगवान सुंदर आशीर्वाद दिस, और यही माता तुलसी, तुलसी जे हा आज हमर छत्तीसगढ़ या संपूर्ण भारत में देख लो, हर के घर में एक ठन तुलसी चौरा रह रहे थे, और वो चौरा तुलसी चौरा में तुलसी सुंदर महातारी के रूप में हमार अंगना दुआरी में विराजमान रह रहे थे, और ये है ये व्यक्त करते कि हम तुलसी महातारी के ऊपर कतका हमन ओकर प्रति समर्पित हैं। तबे तो अपन हर के घर में तुलसी चौरा रहते, और तुलसी चौरा में तुलसी के सुंदर पेड़ लगाए रह रहे थे और पूजथन। तो ये तुलसी महातारी के महत्व रही सब। और आज के दिन जे एकादशी रहते, कार्तिक महीना चला रहते, मैं शुरू में कहूँ कि कार्तिक महीना धर्म के महीना है। एक कार्तिक महीना में भगवान मत्स्य अवतार विष्णु जी के, मत्स्य अवतार वाले जे मूर्ति है या फिर चित्र है, ओकर पूजा करके सुबह सूर्य उदय से पहले स्नान करके, ओकर पूजा करके, मत्स्य अवतार के पूजा करके, और अगर दीप दान करे जही तेकर जीवन से सब कष्ट दुख दूर होई और ओला संपूर्ण फल की प्राप्ति होई। तो यही भावना के साथ कि आप भी देव उठनी त्यौहार में जरूर कथा व्रत सुनो और माता तुलसी के जरूर कथा करो, जरूर कथा सुनो, और माता आप सबके जीवन में खुशहाली और धन धान्य से आपला संपन्न करे। यही भावना के साथ आप सब जन मल्ला जेठौने त्यौहार के गाढ़ा गाढ़ा बधाई। गड़गे ही मड़वा छानी।